हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। समर वेकेशंस खत्म हो चुकी हैं एंड स्कूल्स आर अबाउट टू रीओपन। तो अगर आप चाहते हैं इस टाइम का बेस्ट यूज करना, सो ऑल यू नीड टू डू इज टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। ये 10 मिनट्स की वीडियो आपकी स्कूल लाइफ को डेफिनेटली प्रोडक्टिव बनाने वाली है। कैसे? बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मेजर पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 1, पावरफुल सेल्फ स्टडी हैक्स। पॉइंट नंबर 2, चैलेंजेस। पॉइंट नंबर 3, टाइम टेबल। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, दैट इज पावरफुल सेल्फ स्टडी हैक्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, एंड दैट इज टू मेंटेन अ वीकली प्लानर। द मेन आइडिया बिहाइंड वीकली प्लानर इज कि आप अपने असाइनमेंट, होमवर्क और सेल्फ स्टडीज को प्रॉपरली मैनेज कर पाएं, अपने गोल्स की प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएं। नॉट ओनली दिस, अगर कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है तो उसे छोटे छोटे टास्क पे डिवाइड करके उसे कर पाएं, एंड ऑल्सो थीम बेस्ड टाइम टेबल फॉलो कर पाएं। नाउ व्हाट इज अ थीम बेस्ड टाइम टेबल? थीम बेस्ड टाइम टेबल के अंदर आपको हर सब्जेक्ट को हर रोज नहीं पढ़ना है। व्हाट यू नीड टू डू इज आपको एवरी सिंगल डे थीम के हिसाब से सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगता है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, तो मैथ्स को आप पढ़ेंगे 4 डेज इन अ वीक। नेक्स्ट कम्स इंग्लिश, इंग्लिश को मे बी आप ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडेज ही हैंडल करेंगे। तो अगर आप ऐसे करके पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे, एंड आपको एक सिंगल डे पे सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होंगे, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू आर सेकेंड हैक, एंड दैट इज फॉर योर फोकस। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप बार बार डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं? आपको ऐसा लगता है कि पहले ये काम कंप्लीट कर लेते हैं और देन यू गेट अ लॉट ऑफ थॉट्स इन योर माइंड। सो अगर ऐसा होता है देन दिस हैक इज जस्ट फॉर यू। सो यू ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको जाना है ऑन दिस वेबसाइट कॉल बिग टाइम। बिग टाइम को ओपन करेंगे, उसमें क्लॉक ओपन हो जाती है और वो पूरी स्क्रीन की जितनी बड़ी होती है। नाउ इस क्लॉक के अंदर आप अपने लिए टाइमर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ाई करनी है 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स का टाइमर सेट करिए और अपनी पढ़ाई करना उसके सामने स्टार्ट कर दीजिए। सो इट समहाउ हैज अ वेरी ओवरपावरिंग इफेक्ट, और इसके अंदर यू सिट एंड यू फोकस। ओके, तो ट्राई करना नेक्स्ट टाइम आप जब भी डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, ओपन दिस ऐप, सेट अ टाइमर एंड स्टार्ट स्टडिंग इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, इट विल रियली हेल्प यू आउट। Now, let's move on to the third one, and that is to cover up the syllabus. Now, जैसे ही स्कूल स्टार्ट होते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हो स्कूल की स्पीड को मैच करना, पर कई बार अगर आप कोई क्लास मिस कर दो या आपने क्लास में चीज़ों को ठीक से नहीं सुना है, आप घर आते हो और उसको पढ़ने के लिए बैठते हो, पर यू रियलाइज कि ये कॉन्सेप्ट तो मुझे पता ही नहीं है, ये कैसे करना है। तो अगर आप भी एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन फेस करते हो तो आपके लिए है मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन, एंड दैट इज दिस ऐप कॉल फिलो। फिलो इज गोइंग टू बी योर सेल्फ स्टडी फ्रेंड। यू आस्क मी व्हाई? क्योंकि ये आपकी सेल्फ स्टडीज को इफेक्टिव बनाता है। मतलब अगर आपको 10 मिनट या 2 आवर्स स्टडी करना है, ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। कैसे? सिंपल। फिलो ऐप आपको एक एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ कनेक्ट करता है विद इन 60 सेकेंड फॉर अ लाइव 1-to-1 कॉल, जिसके अंदर जो भी आप सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। ये हो सकता है एक छोटा कॉन्सेप्ट हो या पूरा चैप्टर हो। क्योंकि ये 1-on-1 कॉल है, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीड डिपेंड करती है आप पे। आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्पीड के हिसाब से आप सीख सकते हैं, एंड यू कैन आस्क अनलिमिटेड क्वेश्चन। एंड ऑल्सो अगर आपको वो ट्यूटर अच्छे लगे तो यू कैन ऑल्सो मार्क देम फेवरेट एंड ऑलवेज लर्न फ्रॉम देम ओनली। सो ट्राई आउट द फिलो ऐप एंड टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हैक, एंड दैट इज फ्लैगिंग योर असाइनमेंट्स। तो क्या होता है, बहुत सारी असाइनमेंट्स होती हैं जो हमें मिलती हैं। ओके, नाउ दैट यू विल गो बैक टू स्कूल, तो हो सकता है आपको इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग असाइनमेंट्स मिले। सो हाउ टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट कि कौन सी असाइनमेंट कब सबमिट करनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी असाइनमेंट को फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके करना है। सो उसके लिए ऑल यू नीड टू डू इज टू फ्लैग योर असाइनमेंट। सो एक शीट आप बनाएंगे, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, और ऐसा करने से यू विल नो कि आपको सबसे पहले अटेंशन किस असाइनमेंट पे देना है, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड कौन सी हैंडल करनी है। दिस विल रियली ईज आउट द बर्डन ऑन योर माइंड कि आपको इतनी सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है। ऐसा करने से यू विल नो कि आज के दिन में आपको सिर्फ एक ही असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, राइट? सो डू ट्राई इट आउट।
So, ये तो हुए powerful self-study hacks. Now, let's talk about the part 2 of the video and that is challenge. So, now, I'm going to give you 2 challenges जिसमें से आप कोई भी एक challenge को pick कर सकते हैं और आप उसको कल से use करना start करेंगे for next 21 days, okay? And उसके बाद, you will leave it in the comment section below कि number 1, आपने challenge 1 pick किया या challenge 2 pick किया. Number 2, कि इस challenge के बाद आपने अपनी life में क्या change देखा, all right? So, I'll give you my first challenge and that is to make a checklist. So, आपको क्या करना है? Before you go off to sleep, आपको एक checklist बनानी है उन सब कामों की जो आपको morning में करने हैं, right? Number 2, आपको इसमें से maximum काम जो आप रात को कर सकते हैं, for example, अपना bag बाहर निकालना, shoes रखना या bag को properly arrange करना या water bottle अंदर डालना, ये सारी चीज़ें आप रात को ही करके सोएंगे, so that आपका morning should not be reserved for the mundane work, okay? Now comes the challenge number 2. Now, challenge number 2 है बहुत बहुत आसान. इसके अंदर आपको क्या करना है? आपको उठना है हर रोज एक same टाइम पे. तो अब आप बोलोगे इसमें क्या मुश्किल है? सो द कैच इज, तो आपको अपने अलार्म क्लॉक को स्नूज नहीं करना है. ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप कौन सा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, चैलेंज 1 और चैलेंज 2. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो एंड दैट इज द टाइम टेबल. ऑलराइट, सो वी विल गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग. 6 AM से 7 AM को इस टाइम को विच आई कॉल द गोल्डन आवर, इसको हम यूज करेंगे इन द मोस्ट प्रोडक्टिव वे. दैट इज कि इस टाइम को हम यूज करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, कईयों के लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज, पॉजिटिव अफर्मेशन, प्रेयर, कुछ भी जिससे यू फील कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है. इन्वेस्ट दिस फर्स्ट आवर ऑफ योर डे ऑन दैट थिंग. ऑलराइट, नाउ फ्रॉम 7 to 7:30 वील बेथ एंड गेट रेडी फॉर स्कूल. एंड आई एम अज्यूमिंग कि 7:30 to 2 PM होगा आपका स्कूल. नाउ यू विल कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 2:30 एंड 2:30 to 3:30 इज द टाइम टू चिल, टू हैव योर लंच. एंड 3:30 इज द टाइम जिसमें यू विल स्किम थ्रू जो भी चीज़ें स्कूल में पढ़ाई गई हैं. अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी मिस हो गई है, देन यू कैन कम्प्लीट दैट थिंग. सो बेसिकली 3:30 to 4 इज द टाइम टू स्किम थ्रू वॉट हैज़ हैपन in the school and to flag your assignments. Alright, so 4 to 6 का जो time है इसको आप use कर सकते हैं दो तरीकों से. A, आप इसके अंदर कर सकते हैं homework और self-study. And B, if you go for your tuitions, you can use this time then. Now, 6 to 7 PM होगा हमारा time for stepping out of the house. इस time पे either you can meet your friends or you can pursue your hobby or you can exercise or maybe go for a nature walk. Now, 7 to 7:30 either you can have your early dinner. If not that, then 7 to 9 PM में हम करेंगे अपना self-study और homework, okay? And now, at 9, you can have your dinner. From 9:30 to 10 is the time जिसके अंदर you will basically chill or spend time with your family. Okay, इस टाइम पे यू कैन चेक योर सोशल मीडिया एंड और व्हाटएवर यू वांट टू डू टू चिल. नाउ सो फ्रॉम 10 to 10:30 इज द टाइम टू मेक योर चेक लिस्ट, इज द टाइम टू ऑर्गेनाइज थिंग्स फॉर द नेक्स्ट डे एंड इज द टाइम यू कैन ईदर राइट योर जर्नल and go off to sleep so that next day you can get up at 6 in the morning, right? So I hope ki ye hacks, ye challenge, ye timetable aapko super productive banaye in your coming days. So with that, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. And do check out Philo app. I'll leave the link in the description box below.